today I am going to prepare a mehndi remedy. Mehndi is very important remedy once in a month for every kind of hair. But today I am going to prepare mehndi remedy for reducing the gray hair also. Have a look. इसके लिए मैंने normal नेहा का मेहंदी यूज़ किया है. वट एवर कम्फर्टेबल फॉर यू, यू कैन यूज़. एक बोल में ये मेहंदी ले लेने के बाद मैंने तीन पाउडर यूज़ किया है. एक है रीठा, आमला एंड शिकाकाई. हम सब लोग जानते हैं कि ये तीनों पाउडर हमारे हेयर के लिए डॉक्टर है. बालों का ग्रोथ, बालों का झड़ना रुकते हैं और साथ ही साथ बालों को करते हैं सिल्की एंड शाइन. साथ ही में मैंने यूज़ किया है रिंगराज पाउडर और हिबिस्कस पाउडर. हमें पता है कि हिबिस्कस पाउडर बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है. फिलहाल मैं इसका पाउडर मिक्स कर रही हूँ और मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिंगराज पाउडर, विच हेल्प्स टू जस्ट रिड्यूसिंग आवर ग्रे हेयर. हमारे सफ़ेद बालों को काला करने में मदद करते हैं रिंगराज पाउडर. सो इन पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी ये डिटॉक्शन वाटर, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंने इसको प्रिपेयर कैसे किया था. अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया. मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको रहने दूंगी रात भर के लिए, सो दैट इसके अंदर के सारे जो गुडनेस है वो एक साथ मिलके बाहर आ जाएंगे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इसमें मिक्स करूंगी 2 स्पून्स ऑफ कर्ड यानी कि दही, कोकोनट ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस है, और इसके साथ यूज करूंगी ऑलिव ऑयल, और साथ ही में मैं इसमें एक अंडा पूरा डाल दूंगी. बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये जो प्रिपेयर हुआ है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है हमारे हेयर के लिए, जो कि हमारे बालों को कंडीशन भी करता है, कलर भी देता है और बालों की टेक्सचर को स्मूथ करता है. सो इसको एक बार यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कमाल होता है. फिलहाल मैं यहाँ पे किसी और के बालों में इसको यूज़ कर रही हूँ. अच्छे से आज इसको यूज़ करने के बाद सिर्फ प्लेन वाटर में धोना है, कोई शैम्पू नहीं करना, कोई ऑयलिंग नहीं करना. ये है स्टेप 1 फॉर डे 1. नेक्स्ट डे क्या करना है वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप वॉचिंग.